तो अभी इन खूबसूरत नजारों के बीच में हस्बैंड जी भी मेरी एक दो फोटोज क्लिक करेंगे। काफी लेट कर दी इसने, मैं बहुत देर तक इंतजार करती रही। बहुत दिनों के बाद प्रीति जी घर आते हुए। हाँ यार, बहुत सुकून मिलता है घर आके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के करीब 3 बज रहे हैं और हम सब यहाँ पे रेडी हो गए हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने गाँव। गर्मियों की छुट्टियाँ भी पड़ गई है, तो अभी कैसा लग रहा है आज? मैं कब जाऊंगा, कब खेलूंगा, कब मांगा होमवर्क करूंगा। अभी को तो बस खेलने की पड़ी है। तो चलिए चलते हैं, आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं देहरादून से अपने गांव तक। तो यहाँ पे आरती को बाय बाय बोलते हैं। बाय बाय आरती, जाओ अंदर जाओ, सो जाओ। तो यहाँ पे ना गाड़ी में फुल सामान भरा हुआ है, तो अभी को कहीं बैठने की जगह नहीं हो रही। जा अभी, कहाँ बैठेगा, छत में बैठ जा तू। अभी टाइम करीब 4:30 हो गया है और हम ऋषिकेश से आगे पहुंच गए हैं और अभी तक बाहर देखिए रात ही नहीं खुली। तो हम भी धीरे धीरे चलते हैं और ऐसे में बाहर के कुछ नज़ारे रिकॉर्ड करने के लिए हो ही नहीं रहा है, तो जहां पर रात खुलेगी वहीं पर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो सामने पे हमको दो हिरन भी नजर आ चुके हैं और फाइनली रात भी खुल चुकी है और अभी हम पहुंचे हैं साकिनधार की चढ़ाई पे। और यहाँ पे दीदी को ना बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है और मेरे को भी होने के लिए हो रहा था, लेकिन तभी मैं सो गई तो फिर उतना नहीं हो रहा है अभी। अभी तक सनराइज भी नहीं हुआ और हम श्रीनगर में पहुंचने वाले हैं और रात को चलने का ना यही फायदा रहता है। और आज ना दीदी की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, अभी दीदी बाहर उतर गई है गाड़ी से और अभी तो आज मस्त मजे से बैठा हुआ है। अभी तबीयत खराब तो नहीं हो रही बेटा? ना बिल्कुल ना। अच्छा, सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं धारी देवी मंदिर के पास और अभी यहाँ पे सब गाड़ी से उतर गए हैं। और दीदी तबीयत खराब तो नहीं हो रही है? भयंकर हो रही है दीदी की, आज ना बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। तो क्या होगा तब? तो जैसे ही हम पहाड़ों की साइड जा रहे हैं ना, वैसे ही ठंडा भी हो रहा है अभी। और अभी अभी मैंने भाई को भी कॉल कर दिया है कि मेरे को कुंड में आ जाना लेने के लिए, तो भाई भी मेरे को कुंड तक आएगा लेने के लिए। तो यहाँ पे अमन कब से लगा हुआ था कि मौसी कब उतरेंगे, हम कब उतरेंगे फोटो खींचने के लिए। खींच ली सारी फोटोज। तो अभी इन खूबसूरत नजारों के बीच में हस्बैंड जी भी मेरी एक दो फोटोज क्लिक करेंगे और काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप अपने हस्बैंड जी को कैमरे के सामने क्यों नहीं लाते हो। तो उनको कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं करती हूँ किसी के साथ। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड जी भी गाड़ी में बैठ चुके हैं और दीदी और मेरा गाड़ी में बैठने का मन नहीं कर रहा ना दीदी, क्योंकि गाड़ी में बैठने से ही ना बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो रही है और बहुत ही ज्यादा वोमिटिंग आने के लिए हो रहा है। तो क्या करें, बैठना तो पड़ेगा ही। क्यों? ये गाड़ी पसंद नहीं है। स्विफ्ट, स्विफ्ट काफी डाउन डाउन लगती है ना स्विफ्ट कार। जैसे एक्सयूवी होती हो तो उसमें सनरूफ भी था, तो सनरूफ से बाहर आने के लिए भी होता, लेकिन ये लाया ही नहीं इस बार सनरूफ वाली गाड़ी। तो चलो यार दीदी चलते है। सफर में आगे बढ़ते हुए अभी हम रुद्रप्रयाग के भटवाड़ी सैंड में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अब करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया है और सभी यहाँ पे अभी आइसक्रीम खा रहे हैं मस्त मजे से। तो मैं भी आइसक्रीम खाती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद और थोड़ी देर धूप सेकने के बाद अब हम भी अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। सफर में आगे बढ़ते हुए हम कुंड में पहुंच चुके हैं और आज ना मैं पुल से इस वाली साइड आ गई हूं, क्योंकि वहां पे पार करने के लिए कहीं था ही नहीं, तो हम यहां पे रुक गए हैं। अब भाई भी आता होगा मुझे लेने के लिए। अभी हमको मेरा काफी सारा सामान भी उतारना है, तो एक बार सामान उतार देते हैं, फिर थोड़ी देर यहाँ पे भाई का वेट करेंगे। दीदी लोगों को बाय बाय। बाय बाय। बाय अमन। बाय अभी। तो अभी मैं कुंड के पुल के उस वाली साइड से इस वाली साइड में आ गई हूँ और अभी एक प्रतीक्षालय में रुकी हुई हूँ और यहाँ पे ये है मेरा सामान
और इतना सारा सामान ले जाना है मुझे स्कूटी में। लगभग आधा घंटे वेट करने के बाद यहाँ पर भाई भी पहुँच चुका है। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हाँ, काफी लेट कर दी इसने, मैं बहुत देर तक इंतजार करती रही। तो अब फटाफट ये स्कूटी में सामान रख देते हैं। अभी हम अपने लोकल मार्केट ओकेमठ में पहुंच चुके हैं और यहाँ भी ना आज भयंकर वाला जाम लग चुका है। पता नहीं अब कब तक खुलेगा। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम आगे। अभी हम रुके हुए हैं वडलाधार में और यहाँ से नीचे मेरा ननियाल भी दिखाई देता है, मंगोली। और यहाँ से ठीक सामने देखिए केदारनाथ वाली पहाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मनसुना मार्केट में और यहाँ से अब ये सामान उतार देते हैं। और बहुत तेज धूप हो रही है। तो अभी मैं अपने घर के पास पहुंच चुकी हूं और यहां तक आते आते ना बहुत ही ज्यादा थकान लग गई है, क्योंकि धूप भी काफी तेज हो रही है और सामान भी काफी ज्यादा भारी हो रहा है। तो थोड़ी देर यहीं पे बैठूंगी क्योंकि यहां पे ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं यहीं पे। और आजकल गांव की सभी महिलाएं देखिए खेतों में काम करने के लिए जा रही हैं, तो अभी दिन में घर जा रही हैं लंच करने के लिए। स्वागत है, स्वागत है प्रिय अतिथि तुम्हारा। धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद प्रीति जी घर आते हुए। हाँ यार, बहुत सुकून मिलता है घर आके। तो घर में पहुँचने के बाद ना अलग ही सुकून मिलता है, माहौल पूरा चेंज हो जाता है। और अब ये सामान अंदर रखते हैं, फिर हमको जाना है परवाड़ी वाले घर में। और अभी मम्मी जा रखी है सामने वाले खेत में गुड़ाई करने के लिए, तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर चलेंगे परवाड़ी। तो मनसुना मार्केट में यहाँ पे मेरी मम्मी रुकी हुई है और खेतों से आ रही है। अभी धूप नहीं हो रही, धूप नहीं हो रही। ना इतनी धूप में खेतों में जाने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत क्या है, मेरे को जरूरत है। चलो अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं, ठीक है? तो पहुंच चुके हैं घर के रास्ते में और यहाँ पे मिली चाची, और चाची भी खेतों से आ रही है। चचवाना बढ़िया। और चाची ला रही है मौकुनी पे घास। चाची खेतों में जा रही थी ना, और आजकल हो रही है सटी की गुड़ाई, यानी कि धान में आजकल गुड़ाई कर रहे हैं सारे गांव वाले। तो सब लगे हुए हैं पहाड़ की महिलाएं। तो यहाँ पे पापा देखिए लगे हुए हैं फोन पे छेड़ने पे। पापा ना बस पापा ने लंच बना दिया होगा ना अब? पक्का। हाँ, पापा ने लंच भी तैयार कर दिया है, क्योंकि मम्मी तो खेतों में जा रही थी तो पापा ने मम्मी की हेल्प कर दी, तो अच्छी बात है। तो अब गर्मा गर्म लंच करते हैं, फिर थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि थकान बहुत ज्यादा लग गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।